तो भाई सुन लो, पहले ही बता देता हूँ, इस वीडियो में कोई पावर डायरेक्टर या फिर काइन मास्टर के बारे में मैं कुछ भी नहीं बताने वाला हूँ। आप अगर एक नए बिगिनर हो, नया सा वीडियो एडिटिंग सीखना चाहते हो, अच्छा कुछ जानना चाहते हो, तो दावा करके बता सकते हो इस वीडियो को लास्ट तक पूरा देख लो, आगे जाके बहुत ही कुछ सीख जाओगे। इस वीडियो में टोटली टॉप 3 प्रोफेशनल एंड्रॉइड वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में आपको बताने वाला हूँ, जो कि आगे जाके दोस्तों आपको ग्रो होने में बहुत ही ज्यादा सहायता करेगा और आप वीडियो एडिटिंग भी प्रोफेशनल तरीके से सीख जाओगे अगर आप एक बिगिनर हो। वैसे आगे बढ़ने से पहले दोस्तों थोड़ा इंट्रोडक्शन तो बनता है। मेरा नाम है जय, आप देख रहे हो टेक्नोजियोलॉजी। हमारे चैनल में ऐसे हेल्पफुल वीडियोस आपको मिलते रहते हैं, मिलता रहेगा, और अभी तो दोस्तों आप देख ही रहे हो। देखो दोस्तों, एंड्रॉइड के दुनिया में बहुत ही सारे ऐसे एप्लीकेशन या फिर सॉफ्टवेयर्स है जो कि मिल तो जाते हैं आपको, लेकिन वो आपको कुछ हद तक तो वीडियो एडिटिंग सिखा देता है, लेकिन प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग आप उससे नहीं कर पाते हो। तो आज के दिनों के अंदर मैंने सोचा कि आपके लिए क्यों ना एक ऐसा वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर लाया जाए जिससे आप बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से अपने वीडियोज को दोस्तों एडिट कर सकते हो। तो दोस्तों इस बात को ध्यान रखते हुए मैंने पावर डायरेक्टर और काइन मास्टर को स्किप किया, क्योंकि दोस्तों मोस्ट वीडियोज में आपको पावर डायरेक्टर और काइन मास्टर के बारे में ही बताया जाता है, कुछ दूसरे सॉफ्टवेयर के बारे में बताया नहीं जाता। तो इस वीडियो में दोस्तों मैंने तीन जो एप्लीकेशन लाया, वो तीनों एप्लीकेशन दोस्तों अलग-अलग एप्लीकेशन है। यहां पे सबसे पहले जो एप्लीकेशन को मैंने चुना है उसका नाम है दोस्तों यूकट। ये हमारे टॉप 3 नंबर पे आता है, और ये जो इनशॉट है, इनशॉट से आप लोग वीडियो एडिटिंग वगैरह किए भी होंगे, तो ये इनशॉट का जो .com है उसी का दोस्तों एक सॉफ्टवेयर है, या फिर APK आप लोग बोल सकते हो। इस वाले एप्लीकेशन से बेसिक से वीडियो एडिटिंग आप लोग आराम से कर पाओगे। तो गाइस ये बहुत ही सिंपल सा एक एप्लीकेशन है और बिगिनर्स के लिए तो बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है। यूकट को अगर आप लोग ओपन कर लेते हो, यहाँ पे दोस्तों आपको सबसे पहले नीचे प्लस वाला एक बटन दिख रहा होगा, इसमें आपको टैप करना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों आपको न्यू प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना पड़ता है, और यहाँ पे आपके पास बहुत ही सारे प्रोजेक्ट आते हैं, आप चाहो तो फोटो या फिर ऑल पे जाके सिलेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ से दोनों वीडियो को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे चला जाता हूँ। देख सकते हो प्रोसेसिंग लेता है, और यहाँ पे दोस्तों आ चुका है हमारा जो इंटरफेस है, बहुत ही सिंपल सा इंटरफेस है दोस्तों। यहाँ पे आपको से एडिटिंग जो चीजें टूल्स होते हैं वो सारे चीज देखने के लिए मिल जाते हैं, जो कि मुझे बहुत ही पसंद आया इस ऐप का। और यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले तो और भी वीडियो अगर आप लोग ऐड करना चाहते हो, प्लस वाले ऑप्शन पे जाके आप यहाँ से वीडियोस को ऐड कर सकते हो। इस वाले यहाँ पे आपको और एक चीज एडवांटेज मिलता है, यहाँ पे म्यूट कर सकते हो आप ऑडियो को। देख सकते हो ये वाला जो ऑडियो है इसका जो वॉइस है वो म्यूट हो चुका है, आप अनम्यूट भी कर सकते हो। आप अगर चाहो तो इस वाले ऑडियो को ट्रिम करना चाहते हो तो इसमें आपको टैप करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों स्प्लिट वाला ऑप्शन ऑटोमेटिकली आता है, या फिर ट्रिम वाला आता है। आप चाहो तो यहाँ पे अगर ट्रिम करना चाहते हो ट्रिम पे क्लिक करना पड़ेगा, और यहाँ से ड्रैग करके दोस्तों कट या फिर स्प्लिट आप कर सकते हो। तो मैं स्प्लिट कर देता हूँ यहाँ पे, जैसे कि देख सकते हो राइट कर देना पड़ेगा, देख सकते हो यहाँ पे स्प्लिट हो चुका है दोस्तों। अब दोस्तों इसके अंदर आप ट्रांजिशन भी ऐड कर सकते हो, इसमें आपको सिंपली टैप करना पड़ेगा, और देख सकते हो बहुत ही सारे ट्रांजिशन यहाँ पे है दोस्तों। तो मैं सिंपली एक ट्रांजिशन देके आपको दिखा देता हूँ, ये वाला ट्रांजिशन मैं देता हूँ। स्पीड आप लोग बड़ा घटा सकते हो, यहाँ पे आपको राइट कर देना है। एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख सकते हो ट्रांजिशन मेरा ऐड हो चुका है। बहुत ही ईजी सा यहाँ पे इसका इंटरफेस है, आप चाहो तो म्यूजिक भी ऐड कर सकते हो दोस्तों। इसके अंदर दोस्तों आपको कुछ म्यूजिक इफेक्ट्स भी देखने के लिए मिल जाता है, जो कि बहुत ही पसंद आया मुझे। एनिमल, एरोप्लेन, हॉट, ऐसे करके बहुत ही सारे आपको म्यूजिक इफेक्ट्स देखने के लिए मिल जाता है। और रिसेंट में आप देख सकते हो माय म्यूजिक से आप कोई भी म्यूजिक यहाँ से ऐड कर सकते हो। तो मैं यहाँ से माय म्यूजिक से, मानिए ये वाला एक म्यूजिक, मैं यहाँ पे इसको ऐड कर देता हूँ। ठीक है, देखो म्यूजिक दोस्तों आ चुका है, आप चाहो तो म्यूजिक को भी दोस्तों कट एंड ट्रिम कर सकते हो। देखो यहाँ पे म्यूजिक एडिट करने का बहुत ही सारा ऑप्शन दिया गया है, ट्रिम भी कर सकते हो, वॉल्यूम को दोस्तों आप पूरा लो भी कर सकते हो, म्यूजिक का फिल्टर मिलता है, इफेक्ट्स मिल जाता है, टेक्स्ट मिलता है दोस्तों, टेक्स्ट भी आप ऐड कर सकते हो। यहाँ पे ऐसा कुछ टेक्स्ट मैं लिख देता हूँ, उसके बाद दोस्तों टेक्स्ट को भी आप एडिट कर सकते हो, कलर डाल सकते हो टेक्स्ट के अंदर। यहाँ पे बहुत ही सारे कलर्स आपको दिए गए हैं दोस्तों, साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे बॉर्डर, लेबल, सारे चीज, शेडो आपको टेक्स्ट का मिल जाता है, आप चाहो तो ऐड इसको कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों आपको टेक्स्ट के अलावा यहाँ पे बहुत ही सारे स्टिकर्स भी देखने के लिए मिल जाते हैं, तो GIFs मिल जाते हैं, इमोजी मिल जाते हैं, आप चाहो तो यहाँ पे प्लस ऑप्शन पे जाके जो स्टिकर्स है उनका पैक वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। बैकग्राउंड आप देख सकते हो, वीडियो का स्पीड आप बड़ा घटा सकते हो, जो कि बहुत ही अच्छा फीचर है इस वाले ऐप का दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों आप इस वाले ऐप के अंदर अपना खुद का ऑडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हो, जो कि रिकॉर्ड ऑडियो करके आता है, ये फीचर भी मुझे इस वाले ऐप का बहुत ही अच्छा लगा। साथ ही साथ दोस्तों आप रोटेट कर सकते हो वीडियो को, फ्लिप कर सकते हो, और क्रॉप भी कर सकते हो, जो कि पैन इन पैन आउट होता है। और यहाँ पे आपको एक इंटरेस्टिंग चीज दिखा दूँ, यहाँ पे आपको YouTube
क्यूब का दोस्तों साइज भी देखने के लिए मिल जाता है 16:9 का, जिसका आप लोग वीडियो दोस्तों यूट्यूब में तैयार करते हो और सजा भी सकते हो। आप किस वाले क्लिप को आगे पीछे लेना चाहते हो, तो मैं इस वाले क्लिप को पीछे लेना चाहता हूँ। जैसे कि देख सकते हो शॉर्ट भी करा जा सकता है इस वाले ऐप के अंदर। तो बहुत ही मिनिमलिस्टिक सा डिज़ाइन है दोस्तों, और जो एडिटिंग है, जो बेसिक सा एडिटिंग है दोस्तों, आप बेसिक सा एडिटिंग भी कर सकते हो दोस्तों इस वाले ऐप के अंदर। तो भाई ये जो एप्लीकेशन था, इसका जो म्यूजिक इंटरफेस था और एक्सपीरियंस भी बहुत ही स्मूथ था, इसीलिए दोस्तों मैंने इस वाले एप्लीकेशन को थर्ड नंबर पे रखा, क्योंकि ये बिगिनर्स के लिए भी बहुत ही अच्छा है। आप अगर कोई ईजी सा वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह करना चाहते हो तो दोस्तों आप इस वाले यूकट एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में दोस्तों इस वाले एप्लीकेशन का लिंक आपको मिल जाएगा। सेकेंड नंबर पर दोस्तों मैंने जिस एप्लीकेशन को रखा है उसका नाम है दोस्तों फिल्मोरा गो। और गाइस फिल्मोरा के बारे में तो आपको पता ही होगा, पीसी के अंदर भी उनका कुछ फ्री सॉफ्टवेयर्स आते हैं, उसे वीडियो एडिटिंग भी किया जाता है, लेकिन फोन के अंदर भी आप फिल्मोरा गो यूज कर पाओगे। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाके वहां से जरूर दोस्तों इंस्टॉल कर लेना अगर आप यूज करना चाहते हो तो। फिल्मोरा गो दोस्तों वन ऑफ द बेस्ट वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है दोस्तों, बिगिनर्स के लिए आप बता सकते हो या फिर एंड्रॉयड यूजर्स के लिए। फिल्मोरा गो भी आपको इजीली प्ले स्टोर में देखने के लिए मिल जाएगा। ये जो फिल्मोरा गो है इसका भी बहुत ही सिंपल सा डिजाइन है दोस्तों। आप अगर चाहो तो यहाँ से दोस्तों न्यू प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं सिंपली यहाँ से कुछ वीडियोज को ले लेता हूँ दोस्तों, तो वही दोनों वीडियो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, नेक्स्ट में चला जाता हूँ। अभी क्या है, इसके अंदर जो इंटरफेस मिलता है वो इंटरफेस मुझे सबसे अच्छा देखने के लिए मिलता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो ये वाला वीडियो आपको दिया जा रहा है, साथ ही साथ नीचे में आपको ऐड म्यूजिक नाम का ऑप्शन मिल जाता है। तो इस वाले वीडियो के अंदर मानिए मैं यहाँ से इसका स्पीड बड़ा घटा सकता हूँ दोस्तों, जैसे कि देख सकते हो स्प्लिट कर सकते हो आप, बहुत ही ईजिली तरीके से स्प्लिट होता है। और यहाँ से यहाँ तक मैं और एक कट लगाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से स्प्लिट फिर से कर देता हूँ। इस वाले ऑप्शन के अंदर आपको दोस्तों बहुत ही अच्छे अच्छे चीज़ मिलते हैं। आप यहाँ से एनिमेशन को ऐड कर सकते हो, यहाँ पे एनिमेशन में जाके मानिए मैं यहाँ से ये वाला एनिमेशन डाल देता हूँ, तो देख सकते हो दोस्तों एक एनिमेशन चलेगा। आप जल्दी से देख लो फटाफट से, देखो एक एनिमेशन चलता है, ठीक है। यहाँ पे एनिमेशन को दिया जा रहा है जो कि बहुत ही सिंपल सा इसका इंटरफेस है। साथ ही साथ दोस्तों इसके अंदर आप चाहो तो और भी वीडियोस को ऐड कर सकते हो इजीली तरीके से। एंड इसके अंदर आपको ट्रिम के अलावा भी म्यूजिक देखने के लिए मिल जाता है। म्यूजिक का और एक खास फीचर दोस्तों, इसके अंदर आप ऑडियो को एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हो, जो कि एक्सट्रैक्ट ऑडियो नाम से आता है। ये फीचर उस वाले ऐप में नहीं था, यूकट में, इसमें आपको देखने के लिए मिल जाता है। और इफेक्ट भी बहुत ही सारे आपको देखने के लिए यहां पे मिल जाते हैं, तो बहुत ही सारा इफेक्ट दोस्तों इस वाले ऐप के अंदर अवेलेबल है दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आप म्यूजिक को छोड़ के भी टेक्स्ट ऐड कर सकते हो। टेक्स्ट के अंदर आपको बहुत ही सारे टेम्पलेट्स देखने के लिए मिल जाते हैं, तो यहाँ से सिंपली जो टेम्पलेट्स है, एक टेम्पलेट मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, तो यहाँ पे मैं एक टेम्पलेट ले लेता हूँ, ये वाला टेम्पलेट ले लेता हूँ। यहाँ पे टाइटल मैं थोड़ा बहुत लिख देता हूँ दोस्तों, टाइटल के अंदर मैं हाई हेलो ऐसा कुछ होप ऐसा कुछ लिख देता हूँ। देखो दोस्तों आ गया ना टेम्पलेट, बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। और आप चाहो तो ईजिली टेक्स्ट को भी ऐड कर सकते हो दोस्तों, टेक्स्ट का बैकग्राउंड आपको मिल जाता है। और यहाँ पे बहुत ही सारे फ्रॉन्ट भी आपको दिए जा रहे हैं दोस्तों, सारे फ्रॉन्ट को आप दोस्तों बड़ा घटा सकते हो। यहाँ पे आप फिल्टर भी कर सकते हो दोस्तों, फिल्टर के अंदर अगर आप लोग क्लिक करते हो बहुत ही सारे फिल्टर आपको देखने के लिए मिल जाता है। एक फिल्टर डालता हूँ, देखो फिल्टर चेंज होता है ना, बहुत ही अच्छा यहाँ पे दिया गया है दोस्तों। इसके अलावा भी आप पिप मोड को यूज़ कर सकते हो, जो कि एक साइड में चलता है, और एक वीडियो आप इसमें ऐड कर सकते हो। इसके अलावा इफेक्ट मिलता है, एडजस्ट कर सकते हो, कैनवस मिल जाता है, कस्टमाइज वाटरमार्क, मतलब इसमें वाटरमार्क भी आ जाता है दोस्तों, तो आपको थोड़ा प्रीमियम वर्जन यूज करना पड़ेगा इसके लिए। इसके वजह से कोई दिक्कत नहीं है, आप यूज कर सकते हो। इसमें टैप करने के बाद आप वॉल्यूम के ऊपर भी बहुत ही ज्यादा काम कर सकते हो, वॉल्यूम को बड़ा घटा सकते हो दोस्तों। एंड इसके अलावा इसके अंदर और भी खासियत है, यहाँ पे स्पीड को आप इजिली हैंडल कर सकते हो, रिवर्स कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, ठीक है। स्टिकर्स में भी बहुत ही सारा काम किया गया है। स्टिकर आप लोग देखो, यहाँ पे स्टिकर्स के अंदर आपको इजिली दोस्तों सब्सक्राइब बटन देखने के लिए मिल जाता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, आपको कहीं से भी डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा दोस्तों, आप इजीली ये वाला जो सब्सक्राइब बटन है इसको दोस्तों आप इजीली इसमें डाल सकते हो। यहाँ पे लाइक भी मिल जाता है, जैसे कि देखो लाइक बटन यहाँ पे आ जाता है दोस्तों इजीली तरीके से। इसके बाद आपको और भी दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन मिल जाते हैं, देख सकते हो यहाँ पे लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन बहुत ही सारे हैं दोस्तों, तो आपको कहीं से डाउनलोड भी नहीं करना पड़ेगा दोस्तों। ये जो फिल्मोरा गो था, ये भी दोस्तों कुछ एडवांस सा वीडियो एडिटर था एंड्रॉइड यूजर्स के लिए। कुछ एडवांस लेवल के आपको यहाँ पे फीचर्स देखने के लिए मिलता है। सबसे पहला तो फीचर्स मुझे अच्छा लगा है, ऑडियो एक्सट्रैक्ट आप लोग कर सकते हो, जो फीचर उस वाले एप्लीकेशन में नहीं था। और इसके अलावा आप दोस्तों अपने खुद के वॉइस इसमें रिकॉर्ड कर सकते हो, ओन वॉइस जिसको बोला जाता है, मतलब वीडियो एडिटिंग करते करते आप वॉइस ऐड इसमें कर सकते हो, उसको भी आप दोस्तों ट्रिम वगैरह कर सकते हो, जो चीज मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। इसके बाद दोस्तों आपको इस वाले एप्लीकेशन के अंदर
कस्टमाइज्ड टेक्स्ट देखने के लिए मिल जाते हैं, जो कि आपको लाइक बटन या फिर आप कुछ भी लिख सकते हो, सब्सक्राइब बटन वगैरह, और स्टिकर्स भी आपको इस वाले ऐप में बहुत ही अच्छी तरीके से प्रोवाइड किया गया है। इसमें भी दोस्तों कुछ एडवांस लेवल के फीचर होने के नाते मैंने इसको रखा सेकंड नंबर पे। अदरवाइज जो फर्स्ट नंबर का एप्लीकेशन है वो तो बहुत ही तगड़ा एप्लीकेशन है और इसके अंदर बहुत ही सारे फीचर्स कूट कूट के भरे हुए हैं, इसलिए मैंने इसको फर्स्ट नंबर पे रखा। दोस्तों इसका नाम है VivaCut Pro। अब VivaCut Pro या फिर VivaCut Pro आप जो भी बोल सकते हो, प्ले स्टोर में इजिली आपको ये देखने के लिए मिल जाता है। साथ ही साथ दोस्तों इसका जो इंटरफेस है पूरा मिनिमलिस्टिक सा डिजाइन है इसके अंदर, और आप लोग पूरा प्रोफेशनल तरीके से इसके अंदर वीडियो वगैरह रेंडरिंग या फिर एडिटिंग कर सकते हो। और इस वाले एप्लीकेशन के अंदर ना सिंपली बहुत ही सारे धासु धासु चीज देखने के लिए मिल जाता है, जो कि दोस्तों आपको उन दोनों ऐप्स में देखने के लिए नहीं मिलता था। तो सिंपली इसके अंदर आपको चले जाना है दोस्तों, क्रिएट वाले ऑप्शन पे चले जाना है। क्रिएट वाला ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ से थोड़ा दो वीडियो में सिलेक्ट कर लेता हूँ, आप इमेज भी ले सकते हो, ऑनलाइन में जाके भी कुछ ले सकते हो, नेक्स्ट कर देना है दोस्तों। और इसका जो इंटरफेस है ना, ये इंटरफेस भी बहुत ही अच्छा है और बहुत ही कुछ इसके अंदर आपको देखने के लिए दोस्तों मिल जाता है। आप चाहो तो ट्यूटोरियल देख सकते हो यहाँ पे जाके। सिंपली दोस्तों मैं यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे आता हूँ, एक कट लगाता हूँ, ठीक है। एडिट क्लिप आप लोग देख सकते हो, तो मैं सिंपली इसमें टैप कर देता हूँ। स्प्लिट वाला ऑप्शन आपको मिल जाता है, एनिमेटर मिल जाता है। इस वाले ऐप के अंदर क्या है, बहुत ही सारा एनिमेटर आपको मिल जाता है, कस्टमाइज एनिमेटर, जैसे कि देख सकते हो। देखो एनिमेटर आप ऐसे सेट कर सकते हो, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक एनिमेट होगा, ऊपर नीचे साइड में, और आपको सिंपली दोस्तों राइट में क्लिक कर देना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा एनिमेटर को छोड़ के भी आप इसको स्प्लिट कर सकते हो। स्प्लिट करने के बाद इसमें आपको बहुत ही सारे ट्रांजिशन मिल जाते हैं। देखो ट्रांजिशन आपको तो बहुत ही सारे मिल जाते हैं, और रोटेट मिलता है, पॉलीगॉन मिलता है, ब्लाइंड, यहां पे बहुत ही सारे ट्रांजिशन दिए गए हैं जो कि दोनों एप्लीकेशंस में नहीं थे दोस्तों। इतना ट्रांजिशन है कि आप यहां पे खत्म ही नहीं कर पाओगे। इसके अलावा यहां पे आप अगर चाहो तो यहां पे VPX ऐड कर सकते हो दोस्तों। ये VPX क्या है, यहां पे जो आपको चीजें देखने के लिए मिल जाता है, देख सकते हो लॉन्ग प्रेस टू ऐड दिखा रहा है। जैसे कि देख सकते हो ये वाला जो इंटरफेस है इस ऐप का और ये वाला जो फीचर है बहुत ही अच्छा लगता है है, और साइड से दोस्तों एक कलर भी दिखाई देता है VPX का। हाँ, ये आप जितना तक चाहो प्रेस करके ऐड कर सकते हो दोस्तों। यहाँ पे सिंपली मैं एक टेक्स्ट ले लेता हूँ दोस्तों। अब टेक्स्ट के अंदर हाई देयर ऐसे कुछ लिख देता हूँ, और टेक्स्ट भी दोस्तों देखो आ चुका है। टेक्स्ट को आप यहाँ से सरका सकते हो। अभी देखो दोस्तों वन टैप में ये ओपन होगा। टेक्स्ट में टैप करते हो तो टेक्स्ट ओपन होता है, इसमें टैप करते हो तो इस वाला ऑप्शन को आप एडिट कर सकते हो दोस्तों, ठीक है, डिलीट भी कर सकते हो। इसके बाद और एक खासियत इस वाले ऐप के अंदर है जो कि उन दोनों ऐप में आपको देखने के लिए नहीं मिलता था, ओवरले। ये दोस्तों बहुत ही मस्त सा एक चीज है, इसको आप लोग अगर सिलेक्ट करते हो एक वीडियो देख सकते हो, ये दोस्तों ट्रांसकोडिंग होता है, और ओवरले आप इस वाले ऐप के अंदर यूज कर सकते हो। मैं दिखाता हूं अभी आपको। यहाँ पे दोस्तों ओवरले वीडियो भी आप यूज़ कर सकते हो दोस्तों, जो कि हर यूट्यूबर्स को अच्छा लगता है, या फिर जो भी वीडियो एडिटिंग करता है उनको दोस्तों दो तीन वीडियो ऐड करना ही पड़ता है, ठीक है। देखो ओवरले वीडियोज़ भी आप शूट कर सकते हो, और आपको सिंपली सर टैप करना पड़ेगा, वीडियो खुल जाएगा। और इस वीडियो का स्पीड भी आप बड़ा घटा सकते हो दोस्तों, आप एनिमेटर यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आपको क्रोमा की का ऑप्शन भी देखने के लिए मिल जाता है, जो कि मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छा लगा है। क्रोमा की भी दोस्तों आप यूज़ कर सकते हो, इसका कैपेसिटी हाई कर सकते हो दोस्तों, तो बहुत ही अच्छा लगा है मुझे। इसके अलावा इस वाले ऑप्शन को भी आप स्प्लिट कर सकते हो, मैं एक बार स्प्लिट करके भी दिखा देता हूँ। जैसे कि देख सकते हो स्प्लिट हो गया, एंड यहाँ पे एडजस्ट मिल जाता है, एनिमेशन मिल जाता है, क्रोमा की तो दिखाई दिया मैंने आपको। अभी यहाँ पे एक म्यूजिक भी मैं ऐड कर देता हूँ। म्यूजिक के अंदर आपको हजारों दोस्तों इफेक्ट्स देखने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ पे जो इफेक्ट्स है बहुत ही सारे हैं यार, आप डाउनलोड करके रख देना, आपको अगर ज़रूरत हो तो आप सुन सकते हो। ब्लॉक के लिए रोमांटिक, रॉक, चीयरफुल, बहुत ही सारे इफेक्ट्स आपको मिल जाता है, ठीक है। इन डिवाइस के अंदर भी आप कोई भी गाना इसमें ऐड कर सकते हो, बहुत ही ईजिली तरीका है दोस्तों। यहाँ पे एक गाना मैं ऐड कर देता हूँ, देखो गाना ऐड हो चुका है, और ईजिली इंटरफेस है दोस्तों, देखो बहुत ही ईजी, हाँ देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। आप चाहो तो इसको ड्रैग और ड्रॉप कर सकते हो, साइड में सरका सकते हो, और एडिट करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको सॉन्ग में क्लिक करना पड़ेगा। सॉन्ग का वॉल्यूम भी आप दोस्तों यहाँ पे अच्छी तरीके से यूज कर सकते हो, फेड इन फेड आउट सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, जो कि एक प्रोफेशनल एडिटर के अंदर आपको देखने के लिए मिलना चाहिए। इसके अलावा सॉन्ग को आप स्प्लिट कर सकते हो दोस्तों, डिलीट भी कर सकते हो। स्टिकर्स आपको दिया जा रहा है दोस्तों, स्टिकर इजिली यहाँ पे बहुत ही सारे स्टिकर्स अवेलेबल है। यहाँ पे भी सब्सक्राइब बटन, इंस्टाग्राम बटन, लाइक बटन, सारे यहाँ पे स्टिकर्स आपको देखने के लिए मिल जाता है। आपको कहीं भी जाने का जरूरत नहीं है, आप इजिली यहाँ से दोस्तों यूज कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। नियॉन लाइट मिल जाता है, हार्ट मिल जाता है, बहुत ही सारे स्टिकर्स अवेलेबल है। तो ये वाला ऐप पर्सनली एक प्रोफेशनल तरीके का ऐप लगा है मुझे, इसलिए मैंने इस वाले ऐप को दोस्तों
फर्स्ट नंबर पे रखा। इसके अंदर जो एक चीज मुझे अच्छा लगा, वन टैप जो फीचर है वो मुझे अच्छा लगा। अगर आप लोग टेक्स्ट में क्लिक करते हो तो डायरेक्ट टेक्स्ट खुल जाता है, अगर आप सॉन्ग में क्लिक करते हो डायरेक्ट म्यूजिक खुल जाता है। तो वन टैप ये जो एप्लीकेशन के अंदर इंटरफेस है, ये चीज मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। साथ ही साथ दोस्तों इसके अंदर आपको क्रोमा की भी देखने के लिए मिल जाता है, जो कि उन दोनों एप्लीकेशन के अंदर नहीं थे। बिगिनर्स के लिए बता रहा हूं, ये जो एप्लीकेशन है सबसे अच्छा एप्लीकेशन है दोस्तों इन दिनों के अंदर भी। अगर आप लोग पावर डायरेक्टर काइन मास्टर यूज नहीं करना चाहते हो तो वीवा कट या फिर वाइवा कट प्रो आपके लिए बहुत ही अच्छा निकल के आएगा। इसके अलावा दोस्तों इसके अंदर आपको एनिमेटर ट्रांजिशन देखने के लिए मिल जाते हैं। ट्रांजिशन बहुत ही सारे हैं, आपको बहुत ही सारे ट्रांजिशन देखने के लिए मिल जाते हैं। साथ ही साथ दोस्तों जो एनिमेटर आपको सिस्टम मिलता है उसके अंदर आप बहुत ही कुछ एनिमेट कर सकते हो वीडियो के अंदर, ठीक है। वीडियो एडिटिंग के जो दोस्तों मिनिमलिस्टिक सा डिजाइन होता है वो दोस्तों आपको ये वीवा कट प्रो के अंदर देखने के लिए मिलता है। ओवरले वीडियोस की वजह से, क्रोमा की के वजह से दोस्तों ये जो ऐप है बहुत ही आगे निकल जाता है उन दोनों एप्लीकेशंस में से। तो इजीली दोस्तों मैंने इस वाले एप्लीकेशन को फर्स्ट नंबर पर रखा। अदरवाइज दोस्तों इन तीनों एप्लीकेशन में से अगर आपको कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है, नीचे इन तीनों एप्लीकेशन का लिंक मैं दोस्तों आपको दे दूंगा, जाके इंस्टॉल करके यूज जरूर कर लेना। और इसका भी दोस्तों प्रो वर्जन आपको मिलता है, अगर आप लोग प्रो वर्जन यूज करना चाहते हो तो आपको पेड वर्जन यूज करना पड़ेगा या फिर पेड करना पड़ेगा। इसके अलावा भी दोस्तों मैं सोच रहा हूँ और भी कुछ लेटेस्ट चीज लाऊ इस सारे एप्लीकेशन में से, कैसे प्रोफेशनल तरीके से वीडियोस वगैरह एडिटिंग किया जाता है उसका भी ट्यूटोरियल लाने का सोच रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि इन तीनों एप्लीकेशन में से कोई भी एप्लीकेशन का एक ट्यूटोरियल मैं ला दूं तो आप कॉमेंट करके बता सकते हो, आपका कॉमेंट के हिसाब से मैं वीडियोज दोस्तों अपलोड करूंगी यूट्यूब पे। सो आज का जो वीडियो था दोस्तों टॉप 3 प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर फॉर वीडियो एडिटिंग फॉर बिगिनर्स के लिए, ये जो वीडियो था आपको कैसा लगा जरूर बताना। कमेंट करके एक चीज जरूर बताना दोस्तों आपको वीडियो में कौन सा ऐप सबसे अच्छा लगा है। फिलहाल दोस्तों आज का जो वीडियो था खत्म होता है यहाँ पे ही, तब तक के लिए दोस्तों आप इस वीडियो को देख सकते हो या फिर आप इस वीडियो को देख सकते हो।